हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अहमद स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, फिर आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं इंटीग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 तक कंप्लीट कर चुके थे, जो कि 19.2 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, 19.2 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से एक डिमांड है कि जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को एक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस बी, ठीक है। अंडर रूट एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं कि कैसे निकालना है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बताया गया है कि जब भी रूट में हो तो आपको उसको पावर में कन्वर्ट करना है। तो पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हो जाएगा एक्स प्लस बी का पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। ये पावर में हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब इसका पावर में है तो अब इसका इंटीग्रेशन अब आराम से कर सकते हैं। पावर में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस बी का पावर 1/2 + 1/2 + 1। और फ्रेंड्स देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं एक्स के साथ ए मल्टीप्लाई है, तो जब मल्टीप्लाई है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और प्लस कॉन्स्टेंट, तो फ्रेंड्स आ जाएगा 1/a इंटू एक्स प्लस बी का पावर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 1 3/2, ठीक है। और बट्टा में आ जाएगा 3/2 + c। तो इसको जब तीन टर्म है तो ऊपर ले आएंगे तो हो जाएगा 2/3, और ये a मल्टीप्लाई हो जाएगा बट्टा में ये है तो 2/3 ये हो जाएगा इंटू एक्स प्लस बी का पावर 3/2 + कॉन्स्टेंट, जो कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुका है। अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने 5 नंबर क्वेश्चन दिया जा रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बटा अंडर रूट 1 - 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स बटा अंडर रूट 1 - 2x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करने से पहले हम लोग करना क्या है, इसको 1 - 2x के रूप में x को लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे मतलब कि आ जाए कट कर x, ठीक है। मतलब उसको ऐसे लिखना है कि उसको सॉल्व करने पे, ऊपर वाले स्टेप को सॉल्व करने पे x ही आ जाए। तो फ्रेंड्स, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं -1/2 × 1 - 2x और -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा हम लोगों का, इसको यहाँ से ब्रैकेट होगा पूरा, ठीक है। अब करेंगे तो आ जाएगा, तो -1/2, और देखिए ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो जाएगा 1 - 2x और -1। तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा -1/2 × -2x। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -- मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा, आ जा रहा है -x। तो अब इसके जगह पे x आ जा रहा है, तो अब x के जगह पे अब हम लोग को मान ये रखना है, ठीक है। और ये रखेंगे, ये 1 - 2x के रूप में है, और इससे ये मान रखकर इससे डिवाइड करेंगे तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो तब देखते हैं, तो चलिए मान रखते हैं। तो 1/2 1 - 2x - 1 बटा, इसको रूट में है ना, तो इसको हम 1 - 2x का पावर 1/2 कर लेते हैं और इंटू डी एक्स, ठीक है। समझ में आ गई होगी, हमको उम्मीद है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो भी हम कन्वर्ट किए हैं। तो चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, करना क्या है, अब 1 - 2x जो है इससे डिवाइड करेंगे, तो चलिए डिवाइड करते हैं। -1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2x बटा 1 - 2x का पावर 1/2, ठीक है। और -1/1 - 2x का पावर 1/2 और इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए इसको जब पावर है तो जब भी पावर में होता है, जैसे कि x के पावर m बट्टा x के पावर n, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर m - n। पावर जब जब ये x जैसे सेम है, तो वैसे जब सेम है ये बेस, तो हम पावर को माइनस कर सकते हैं m - n। तो यहाँ पावर 1 है तो 1 में से 1/2 करेंगे, 1 - 2x का पावर 1 - 1/2 माइनस, अब भी ये भी बटा में है तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1 - 2x के पावर -1/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। ये अब पढ़े होंगे x के पावर 1/(x^m) बराबर होता है x के पावर -n, ये फार्मूला पढ़े होंगे 8th 9th में पढ़े होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा
वन माइनस टू एक्स का पावर, अब इसमें से घटाएंगे तो टू माइनस वन यानी कि वन बाई टू आ जाएगा, माइनस ये आ जाएगा वन माइनस टू एक्स का पावर माइनस वन बाई टू और इंटू डी एक्स। ठीक है तो फ्रेंड्स ये हम लोग का यहाँ तक हो चुका है, तो चलिए अब इधर हम कुछ इरेज कर लेते हैं। तो चलिए ये दो पार्ट इरेज कर लिए और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या होता है। तो फ्रेंड्स माइनस वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर हो जाएगा माइनस वन बाई टू बाहर तो ही है हम लोग का। अब एक एक करके इंटीग्रेशन कर लेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस टू एक्स का पावर वन बाई टू इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस टू एक्स का पावर माइनस वन बाई टू इंटू डी एक्स। ठीक है ये हो गया। अब देखिए एक एक करके इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन में फ्रेंड्स क्या होता है कि पावर ऐड होता है, तो चलिए ऐड करते हैं तो हो जाएगा माइनस वन बाई टू वन माइनस टू एक्स का पावर वन बाई टू और प्लस वन तो हो जाएगा थ्री बाई टू और बटा में थ्री बाई टू और देखिए एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई है माइनस टू, तो आकर माइनस टू डिवाइड हो जाए, प्लस रहता तो केवल टू से डिवाइड होता क्योंकि प्लस टू लेते हैं और यहाँ माइनस टू है तो माइनस टू से डिवाइड करेंगे। ठीक है माइनस माइनस यहाँ भी हो जाएगा वन माइनस टू एक्स के पावर, अब देखिए माइनस वन बाई टू में वन जोड़ेंगे तो आ जाएगा एलसीएम टू और माइनस वन प्लस टू यानी कि दो में से वन जाएगा वन आ जाएगा। ठीक है तो वन बाई टू आ जाएगा यानी कि वन माइनस टू एक्स के पावर वन बाई टू बट्टा वन बाई टू इंटू माइनस वन बाई टू। ठीक है ये इंटीग्रेशन हम लोग का हो चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं और आगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी टू से टू कैंसिल हो जाएगा। ठीक है तो फ्रेंड्स बच जाएगा हम लोगों का माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी फ्रेंड्स इंटीग्रेशन तो हो गया है, माइनस वन बाई टू हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा वन माइनस ये हो जाएगा फ्रेंड्स वन माइनस टू एक्स का पावर हो जाएगा फ्रेंड्स वन माइनस टू एक्स के पावर देखिए करते हैं वन माइनस टू एक्स के पावर थ्री बाई टू बट्टा थ्री डी और ये माइनस है और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस वन माइनस टू एक्स के पावर वन बाई टू। ठीक है ये आ गया और फ्रेंड्स यहाँ सॉरी फ्रेंड्स यहाँ माइनस थ्री है तो ये भी हो जाएगा माइनस, यहाँ यहाँ माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है और ये हो गया तो फ्रेंड्स हो जाएगा माइनस वन बाई टू। अब एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा कॉमन ले लेते हैं माइनस वन बाई टू हो गया, उसके बाद देखिए वन माइनस टू एक्स के पावर वन बाई टू कॉमन ले लेते हैं, वन माइनस टू एक्स के पावर वन बाई टू कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस बच जाएगा फ्रेंड्स माइनस वन माइनस टू एक्स के पावर टू एक्स और बटा में थ्री और प्लस वन। ठीक है अब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा माइनस वन बाई टू वन माइनस टू एक्स के पावर वन बाई टू एलसीएम हो जाएगा थ्री, या थ्री मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस वन और प्लस टू एक्स और ये हो जाएगा प्लस थ्री। ठीक है इतना हो गया तो फ्रेंड्स चलिए कुछ पार्ट को हम इरेज कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कुछ पार्ट इरेज हो गया, अब हो जाएगा फ्रेंड्स हम लोग का माइनस वन बाई टू इंटू वन माइनस टू एक्स के पावर वन बाई टू और ये हो जाएगा फ्रेंड्स तीन में से वन जाएगा टू यानी कि टू प्लस टू एक्स और बटा थ्री डी। ठीक है इसको इरेज कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा इसको वो माइनस वन बाई टू वन माइनस टू एक्स के पावर वन बाई टू, देखिए फ्रेंड्स यहाँ टू है यहाँ टू है तो टू कॉमन हो जाएगा यानी कि टू इंटू वन प्लस एक्स हो जाएगा और बट्टा थ्री, टू से टू कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा फ्रेंड्स माइनस वन बाई थ्री इंटू वन माइनस टू एक्स के पावर वन बाई टू इंटू वन प्लस एक्स प्लस सी, सॉरी फ्रेंड्स सभी में सी रहेगा आप सी लगा लीजिएगा सभी में प्लस सी हो गया। तो फ्रेंड्स और आगे इसको करेंगे तो हो जाएगा माइनस वन बाई थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री इंटू रूट वन माइनस टू एक्स इंटू वन प्लस एक्स और प्लस सी। ठीक है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हम लोग का यहाँ तक सॉल्यूशन। ठीक है तो जो कि राइट आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं
तो फ्रेंड्स ये हो गया है इरेजर। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट आप कर सकते हैं क्योंकि इंक एंड हो गया है, बस जस्ट अ सेकेंड। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू इंटू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है 6 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस टू अंडर रूट एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स इसको एक्स प्लस टू है तो इसको एक्स माइनस थ्री के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री और प्लस 5 कर देंगे और अंडर रूट एक्स माइनस थ्री इंटू डी एक्स। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस थ्री प्लस फाइव, फाइव में से 3 जाएगा 2 यानी कि एक्स प्लस टू आ जाएगा। अब देखिए इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, इसको रूट में है तो इसको पावर 1/2 कर देते हैं, प्लस 5 एक्स माइनस थ्री का पावर 1/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए मल्टीप्लाई है तो पावर एड हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री के पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस थ्री का पावर 1/2 और इंटू डी एक्स है, ठीक है। अब यहाँ पावर एड कर लेंगे एक एक करके, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस थ्री पावर ये 2 एकम 2 और 1 3 3/2 हो जाएगा और इंटू डी एक्स प्लस 5 कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस थ्री के पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो फ्रेंड्स इंटीग्रेशन में करेंगे क्या कि पावर एक ऐड करेंगे तो 3/2 में पावर एक ऐड करेंगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा 3/2 में एक ऐड करेंगे तो आ जाएगा फ्रेंड्स जैसे देखिए 3/2 प्लस 1 तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 2 यानी कि 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 5/2 और बट्टा 5/2 प्लस 5 इंटू एक्स माइनस थ्री के पावर इसमें भी ऐड करेंगे 1/2 में तो आ जाएगा 3/2 और बट्टा 3/2 और प्लस कांस्टेंट, ठीक है। इंटीग्रेशन हो चुका है फ्रेंड्स, अब इसी को सजा देना है हम लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से कुछ पार्ट को इरेज कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हो जाएगा इसको जब बदलेंगे तो हो जाएगा 2/5 एक्स माइनस थ्री के पावर 5/2 प्लस 5 इंटू 2/3 इंटू एक्स माइनस थ्री के पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग करना क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस थ्री के पावर 3/2 कॉमन कर लेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए 2 दोनों में 2 और 2 तो 2 कॉमन हो गया और एक्स माइनस थ्री के पावर 3/2 दोनों में है तो आ जाएगा फ्रेंड्स 1/5 यहाँ 5 बटन है तो बटन में आ गया 1/5 और यहाँ बचेगा एक्स माइनस थ्री और प्लस यहाँ देखिए फ्रेंड्स 2 कॉमन हो चुका है 5/3 बच रहा है तो हो जाएगा 5/3 और प्लस सी। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू एक्स माइनस थ्री के पावर 3/2 इसको एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 5 से कट गया तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो हो जाएगा 3x-3 का 9 प्लस 3×5 15 यानी कि 50 25 हो जाएगा और प्लस सी तो आ जाए फ्रेंड्स 2 इंटू एक्स माइनस थ्री के पावर 3/2। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x+25 में से 9 हो जाएगा तो फ्रेंड्स आ जाएगा 16/15 प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए बटा में 15 इधर आकर हम बाहर निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 2/15 इंटू 3x+16 इंटू एक्स माइनस थ्री के पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट जो कि राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर की तरफ, इस 7 नंबर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन
बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस वन के रूप में इसको तोड़ना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन को। तो चलिए तोड़ते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस टू बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू, तो माइनस टू में से वन जाएगा तो हो जाएगा माइनस वन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वन आ जा रहा है। अब चलिए इसको एक टर्म बना लेते हैं और माइनस टू को एक अलग, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसे अब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन से और माइनस टू बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये हो जाएगा इंटू डी एक्स, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ। अब डी मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा डी एक्स माइनस टू कॉन्स्टेंट है बाहर, हो जाएगा वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो डी एक्स का फ्रेंड्स इंटीग्रेशन होता है एक्स माइनस टू और वन प्लस वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा टू इंटू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो आ जाए फ्रेंड्स एक्स माइनस टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर सेवन, तो चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर एट का मान दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है, एक इलेवेंथ में फार्मूला पढ़े होंगे, तो चलिए उसको हम डायरेक्टली एक्सप्लेन करते हैं। ये होता है फ्रेंड्स साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस कॉस टू एक्स, ये होता है फार्मूला फ्रेंड्स, टू साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस कॉस टू एक्स। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स बटा टू हो जाएगा। तो चलिए हम मान रखते हैं साइन स्क्वायर एक्स का, तो हो जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स बटा टू इंटू डी एक्स। देखिए अब बट्टा में टू है यानी कि वन बाई टू कॉमन हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है बाहर हो गया, अब हो जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है, एक एक करके हम बोले हैं कि आपको जो भी फार्मूला यूज होगा उसको हम बताते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, तो आ जाएगा फ्रेंड्स वन बाई टू। अब देखिए इसका एक एक करके इंटीग्रेशन करेंगे, तो हो जाएगा डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हो जाएगा वन बाई टू और डी एक्स का फ्रेंड्स इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स होता है साइन साइन, तो हो जाएगा साइन टू एक्स और बटा देखिए एक्स के साथ टू मल्टीप्लाई है तो टू डिवाइड हो जाएगा और प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो देखिए फ्रेंड्स ये हम लोग का आंसर हो चुका है, और फ्रेंड्स और आगे आंसर लाने के लिए आप कर सकते हैं क्या कि अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना ही हम लोग रहने देते हैं, तो ये रहा आठ का वन नंबर क्वेश्चन कम्प्लीट हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स आठ का टू नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो चलिए इसको इरेज करते हैं। तो फ्रेंड्स एट का टू नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो एट का टू नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस फाइव इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अभी फ्रेंड्स हम फार्मूला बताए हैं टू साइन स्क्वायर एक्स बराबर वन माइनस कॉस टू एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स बटा टू। तो इसी फॉर्मूले पे कर लेते हैं साइन स्क्वायर, इसको समझिए कि ये एक्स दिया हुआ है और हो जाएगा वन माइनस कॉस टू एक्स बटा टू, तो वन माइनस कॉस टू एक्स, एक्स के जगह पे टू एक्स प्लस फाइव बटा टू इंटू डी एक्स हो गया। तो इंटीग्रेशन ऑफ देखिए फ्रेंड्स यहाँ से वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर कर लेते हैं वन बाई टू और इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस, अब मल्टीप्लाई कर देंगे टू से, तो कॉस दो दूनी चार फोर एक्स प्लस दो पच्चे दस और इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो वन बाई टू कॉन्स्टेंट हो गया बाहर है और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस फोर एक्स प्लस टेन इंटू डी एक्स, तो आ जाएगा फ्रेंड्स वन बाई टू। डी एक्स का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स एक्स और माइनस कॉस का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स होता है साइन, यानी कि साइन फोर एक्स प्लस टेन हो जाएगा और फ्रेंड्स एक्स के साथ फोर मल्टीप्लाई है तो फोर डिवाइड हो जाएगा और प्लस कॉन्स्टेंट, जो कि राइट आंसर फ्रेंड्स हम लोग का हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये एट का टू नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए देखते हैं कि एट का थ्री नंबर क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एट का थ्री नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इंटू
डी एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है एट का। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है 2 cos² x बराबर होता है 1 + cos 2x, जो कि आप इलेवेंथ के मैथ में पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स ये आपको फॉर्मूला मिला होगा, 2 cos² x बराबर होता है 1 + cos 2x। तो चलिए यहाँ से हम cos² x का मान निकालते हैं। तो cos² x बराबर हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 1 + cos 2x/2। तो यहाँ मान रखते हैं तो हो जाएगा 1 + cos 2x/2 dx। चलिए इसको अब इरेज कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos 2x/dx। तो 1/2 अब एक एक करके इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x/dx। तो 1/2 और dx का इंटीग्रेशन फ्रेंड्स x प्लस cos का इंटीग्रेशन होता है sin, तो sin 2x, और 2x के साथ 2 मल्टीप्लाई है तो 2 डिवाइड हो जाएगा, और प्लस सी, जो कि हो गया क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 का 3 कंप्लीट। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।